तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन के बारे में हमने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन में हमें यह समझना होता है कि जो एटम होता है ना उस एटम के भीतर एक न्यूक्लियस होता है एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर ना एनर्जी लेवल्स होते हैं सेल्स होते हैं जिनको अपन के एल एम एन बोलते हैं के एल एम ये सब नाम देते हैं हर एक एनर्जी लेवल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हर एक एनर्जी लेवल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं इस बात के लिए हमें फॉर्मूला टू एन स्क्वायर पढ़ाया गया के में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं एल में उससे कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे एम में उससे सॉरी एल में उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं के में दो रहेंगे एल में, में, में उससे ज़्यादा रहेंगे एट एम में उससे ज़्यादा रहेंगे एटीन एन में उससे ज़्यादा रहेंगे थर्टी टू ओ में उससे ज़्यादा रहेंगे फिफ्टी यस और नो तो ऐसे ये बढ़ते चला था पी में रहेंगे सेवेंटी टू क्यू में रहेंगे नाइन्टी एट तो जो चीज हम लोगों ने स्टडी किया कि अलग अलग शेल में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हम इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन बोलते हैं हम इसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन बोलते हैं जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन का स्टडी कर रहे थे उस समय में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आए चैलेंजेस हमारे सामने ये आए कि जब हम लोग यहां पर सीरियल नंबर दे देते हैं यहां पर एलिमेंट का नाम दे देते हैं यहां पर सिंबल दे देते हैं यहां पर के यहां पर एल यहां पर एम और यहां पर एन दे देते हैं जब हमें इसे सॉल्व करने की आती है बारी मान लीजिए हम यहां पर लिख रहे हैं क्लोरीन तो क्लोरीन का जो सिंबल होता है एटॉमिक नंबर होता है सेवनटीन जो सिंबल होता है ये होता है सी एल तो एटॉमिक नंबर सेवनटीन होने का मतलब हुआ कि क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के पास में सत्रह इलेक्ट्रॉन है दैट इज फिक्स्ड अगर हम कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर का सेवनटीन है तो क्लोरीन के पास में 17 इलेक्ट्रॉन से ही होंगे ये फिक्स हो गया अब इन सत्रह इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग रूम में रखना है अलग अलग रूम में रखना है तो सबसे पहले के वाला रूम आता है तो के बोलता है मेरे पास दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे कंप्लीट बच गए हमारे पास हम अभी भी फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन्स एल में आठ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं अभी भी हमारे पास में रेस्ट में कितने elements, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सेवन तो यहां पे हम रख सकते हैं M में 18 तक रह सकता है। जब एटीन तक अठारह रह सकता है जिस रूम में अठारह लोग रह सकते हैं उस रूम में सात लोगों को भी रखा जा सकता है जब बात आती है एटीन नंबर पे आर्गन की ए आर तो ये हो जाता है टू एट एट जब आता है बात नाइनटीन नंबर पे पोटाशियम की पोटाशियम की तो यहां पर नाइनटीन इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे टू तो हम यहां पे डाल देते हैं एट हम यहां पे डाल देते हैं लेकिन जैसे ही हम यहां पे नाइन लिखते हैं हो जाता है एरर नाइन लिखते ही हो जाता है गलती इसीलिए क्लास नाइन्थ में और क्लास टेंथ में अठारह तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अठारह से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसको डिफाइन करने वाला जो क्लास है ये इलेवेंथ क्लास है इलेवेंथ क्लास में इस बात का पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे इसके अंदर रहते हैं तो हम जो डायरेक्टली लिख रहे हैं के एल के में दो इलेक्ट्रॉन्स एल में आठ इलेक्ट्रॉन एम में अठारह इलेक्ट्रॉन ऐसा होता नहीं है ऐसा रियल में होता नहीं है के एल एम एन टॉप पे नहीं है इनसे भी छोटा कुछ होता है इनके अंदर भी रूम होता है मतलब ये हो गया कि हमारा एटम जो है घर है और के एल एम एन जो है ना ये रूम्स है रूम्स तो हम समझ रहे थे कि रूम में इलेक्ट्रॉन रहता है तो बात सही है रूम में लोग रहते हैं लेकिन रूम के अंदर भी ना बेड बटा हुआ है एक रूम में दो गो बेड है ना एक रूम में दो बेड है एक बेड इधर एक बेड इधर इधर, इधर इधर मेल इधर नहीं इधर दो बेड है इधर दो लोग सो सकते हैं इधर दो लोग सो सकते हैं दो गो बेड अलग अलग रखा गया है तो ऐसे ही के एल एम एन सेल है सेल इसके अंदर भी होता है उसको हम लोग सब सेल बोलते हैं तो बस अभी समझने के लिए हम आपको बोल दें कि यहां पर टू एट एट और यहां पर वन कर दिया जाएगा कि ऑक्टेट रूल कहता है कि लास्ट में आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं लास्ट में आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो नाइन हो रहा था तो लास्ट वाले को आठ कर देंगे और एक को आगे भेज देंगे लेकिन जैसे ही बात आता है यहां पे ट्वेंटी नंबर पर कैल्सियम के लिए कैल्शियम के लिए तो ये हो गया टू एट एट टू यहां तक भी चल जाता यहां तक भी जो हम लोग लिख रहे हैं ना ये सही था बीस तक भी सही था बच्चों को समझाया जा सकता था हम समझा सकते थे कोई दिक्कत नहीं है कह देते बाबू मान ना लो कहा जाता है यहां आठे तक रहेगा आठ के बाद जो होगा ना उसको आगे भेज देना आपको चलिए सर आप कह रहे हैं तो हम मान लेंगे ये बात लेकिन मामला कब है जब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं जब लिमिट क्रॉस करते हैं जैसे ही हम 21 पे आएंगे स्कैंडियम एस तो यह होता है टू एट नाइन टू अब मैटर फंस गया कि सर आपको कैसे पता है कि अब इसको तीन नहीं करेंगे बल्कि इसको नाइन करेंगे अब इसी चीज के लिए आज का क्लास है आप लोगों का कि ये सब कैसे पता चलता है किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो चलिए आज का क्लास हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं कल हम इतना तक पढ़ा चुके हैं आप लोगों को ये अभी नहीं समझना है अब आज क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का मेन मकसद है आपको यह पढ़ाना कि अफबाऊ प्रिंसिपल क्या होता है तो टॉपिक होगा आज का अफबाऊ प्रिंसिपल अफवाऊ प्रिंसिपल आज के क्लास का मेन टॉपिक है ऑफ बाउ प्रिंसिपल घबराना बिल्कुल भी नहीं एकदम आराम आराम से समझना है। ऑफ प्रिंसिपल। बता दें पहले ये इलेवन ट्वेल्थ का टॉपिक है आपको नाइन टेंथ में नहीं पढ़ना है लेकिन बिना इसको पढ़ाए हम आपको एडवांस नहीं पढ़ा पाएंगे उसके लिए हमें आपको ये पढ़ाना होगा तो आराम से मन को शांत रख के पढ़िए हाँ कह के पढ़िए चाहे ना कह के पढ़िए पढ़ना तो पड़ेगा तो हमें यही राय देंगे पढ़ लीजिए चलिए ऑफ बाउ प्रिंसिपल सबसे पहले टॉपिक आता है कि आखिर किसने दिया ये बाउ प्रिंसिपल तो इसको देने के पीछे दो साइंटिस्टों का हाथ था पहला नील्स बोर लेकिन एक और साइंटिस्ट थे जो नील्स बोर के साथ इस बार हेल्प कर रहे थे इनका नाम था वॉल्फगैंग पॉली वॉल्फगैंग पॉली तो नील्स बोर एंड वॉल्फगैंग पॉली दो साइंटिस्ट थे बोर एंड पॉली आप याद रखना पॉली के नाम से ये फेमस है नहीं आता इनमें जनरली इन दो साइंटिस्ट के दिमाग में आया थे ना इन दो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि जैसे सबसे बड़ा हम मानते हैं कि एलिमेंट होता है एलिमेंट एलिमेंट से छोटा होता है एटम हम तो यही मानते थे सबसे पहले हम आपको एलिमेंट के बारे में पूरा पढ़ाए फिर एलिमेंट के बाद में हम आप एटम को एटम के बारे में हमने आपको पूरा पढ़ाया आपको याद होगा कल के क्लास में हमने कहा आपसे कि एटम से भी छोटा कुछ होता है एटम से भी छोटा कुछ होता है और एटम से छोटा जो होता है इसको बोलते हैं सेल क्या बोलते हैं शेल बोलते हैं इन लोगों के दिमाग में यह बात चल रही थी कि शेल से भी छोटा कुछ होता है जो के एलेमेंट होता है ना इस के एलेमेंट से भी छोटा कुछ होता है कुछ होता है और उसका नाम रखा गया सबसेल और पता है सबसेल से भी छोटा कुछ होता है और उसका नाम है ऑर्बिटल्स Orbitals. मतलब माना जाए तो हम लोग ये तीन सेक्शन तक पढ़ चुके हैं तो आज के क्लास में ये दो सेक्शन और हम लोगों को पढ़ना है तब ये केमिस्ट्री पूरा क्लियर होने लगेगा दिमाग के सामने ये दो सेक्शन और हम लोगों को पढ़ना है मतलब पूरा एटम जो है ये ये जो एटम है ये कैसे बना है इसका बिल्डिंग कैसे बना है ये घर है तो ये घर कैसे बना है ये बिल्डिंग कैसे बना है इसी के बारे में पढ़ना है अफबाऊ प्रिंसिपल में और आपको एक खुशी की बात बताएं कि अफबाऊ प्रिंसिपल का जो ये वर्ड है ना अफबाऊ प्रिंसिपल ये बना है जर्मन वर्ड से और वो जर्मन वर्ड क्या है ऑफबाउ प्रिंस जिप अबाउ प्रिंस जिप ये एक जर्मन वर्ड है इस वर्ड का मीनिंग ही होता है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल इस वर्ड का मीनिंग ही होता है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल किसी चीज को बनाने वाला प्रिंसिपल मतलब एटम का बिल्डिंग कैसे बना है एटम इतना बड़ा घर कैसे बना दिया है मतलब एटम के बिल्डिंग में ये जो ईट है ये बालू है ये सीमेंट है ये कैसे यूज हुआ है ये पूरा हमको पढ़ना है अफबाऊ प्रिंसिपल में अफबाऊ प्रिंसिपल में तो आप बस आप बस एक ही बात याद रखना कि अफबाऊ प्रिंसिपल में हमें बस शेल के अंदर जो सबसेल होते हैं उन्हीं के बारे में जानना है और सबसेल कौन होते हैं जैसे सेल होता है के एल एम एन ओ पी क्यू वैसे ही सबसेल होता है एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स बहुत सारे होते हैं पी एक्स पी वाई पीजेड डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ढेर सारे होते हैं ऑर्बिटल्स तो इनको हम आपको नहीं पढ़ाएंगे छोटे लेवल पर हम इसको पढ़ाएंगे बहुत ज्यादा नहीं है ना इसीलिए इसके सामने ये लिखना था हर एक चीज का कुछ कॉज होता है ना तो ध्यान से समझा जाए अब इसको चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं ये हो गया लिख लिया आप चलिए तो हम लोग इस गाड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं खूब आराम आराम से समझना है इसको किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हो रही तो प्लीज पूछिए कुछ मन में क्वेश्चन आ रहा हो कोई बात आ रही हो हमसे कहने के लिए कुछ सजेशन लग रहा हो कि सर आप ये कर सकते हो या ऐसा हो सकता है कि नहीं कोई भी बात मन में आए तो बोला करो हमसे नहीं बोलोगे तो किससे बोलोगे हा? चलो फिर कोई नहीं हाँ जी बताते हैं चलिए इन्होंने जो कहा उस बात का जवाब दिया जाए कि आखिर ये सबसेल एसपीडीएफ ही क्यों होता है लिखेंगे सबसेल टॉपिक डालते हैं जो ये सबसेल का नाम है ना एस पी डी एफ ये कोई लेटर नहीं है बल्कि इसका एक फुल फॉर्म होता है एस का फुल फॉर्म होता है शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज और एफ का मतलब था फंडामेंटल शार्प फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिफ्यूज है डिफ्यूज मतलब बटा हुआ है चारों तरफ फैला हुआ है इसके बारे में एक शार्प प्रिंसिपल दिया गया है इसका एक फुल फॉर्म होता है जो हम आपके सामने लिख चुके हैं क्लियर जी के एलेमेंट का फुल फॉर्म नहीं होता है के एलेमेंट जो है एबीसीडी के बीचों बीच का छे लेटर उठाया गया है नहीं, इसका फुल फॉर्म हो सकता है अगर हम आपसे कहें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो एस में दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं पी में चार जोड़ दीजिए सिक्स डी में चार जोड़ दीजिए टेन और एफ में चार जोड़ दीजिए फोर्टीन तो कुल मिला के एस पी डी एफ एस पी डी एफ क्लियर क्लियर तो एस पी डी एफ होता है ये चार सेट होते हैं अब चलिए हम आपको एक सुंदर बात बताते हैं सुंदर बात बताने के लिए आपके पास में पीरियोडिक टेबल होना चाहिए ओपन यू पीरियोडिक टेबल्स हमको भी एक पीरियड टेबल चाहिए हम कल वाले में से पीरियड टेबल उठा लेते हैं चलिए अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं इस बारे में चर्चा करें नील्स बोर का ये टेबल जो है ना नी, नील्स बोर का यह है ये जो है आप लोग पढ़ते हो नील्स बोर ने इसका डिजाइनिंग किया हुआ है नील्स बोर ने इस पीरियड को बनाया है और जो आप लोग के एल एम एन पढ़े हो वो भी नील्स बोर ने बनाया है एसपीडीएफ भी नील्स बोर ने बनाया है तो खुशी की बात यह है कि उनका पीरियडि टेबल उनका के एल एम एन उनका एसपीडीएफ सब आपस में मैच करता है कैसे एक बात बताओ के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू सबसे पहला जो लाइन है इसमें काउंट करो तो कितने एलिमेंट्स हैं टू एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एट सेकेंड और थर्ड लाइन काउंट करो दो एट 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 ये सर नो एम में कितना होता है एटीन फोर नंबर काउंट करो तो अरे अट्ठारह लाइन है पूरा है एटीन है नहीं है फाइव नंबर काउंट कर दो एटीन एन में कितना होता है थर्टी टू काउंट करो तो सिक्स नंबर में कितना है उ काउन काउंट देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू आप कुछ समझ में आ रहा है आप जो पढ़े हो के एल एम एन उसका लिंक है इससे उसका लिंक है इससे उसी के अनुसार ये प्रयोग टेबल बना हुआ है के में दो है तो दो है एल में एट है तो एट है एम में एटीन है तो एटीन है एन में थर्टी टू है तो थर्टी टू है और हमने कहा ही था कि नील्स चार ही बनाए थे के एल एम एन तो चार गो पे तो सेट करिएगा बोलो क्लियर अब बताते एसपीडीएफ पर बताओ एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? टू बोले ना देखो सबसे ऊपर दो गो इन्हें दिख रहा होगा इधर का दो गो पिलर सबसे ऊपर है टू पी में कितने सिक्स देखो तो राइट में पिलर दिख रहा है कौगो ऊपर कितना है एक दो तीन चार फाइव सिक्स है डी में कितना टेन एक बराबर देखो तो यहां से यहां तक कौगो लाइन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और चूंकि यहां पे एक जगह खाली है तो एल जो है ना ये एल ए भाग आएगा इस जगह पर क्लियर तो इसको छोड़ के कितना बचा फोर्टीन एक दो तीन चार फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तेरह चौदह फोर्टीन है और एफ में कितना होता है फोर्टीन मतलब जो एसपीडीएफ पढ़ रहे हैं के एल एम एन पढ़ रहे हैं उसका लिंक है आपके पीरियोडिक टेबल से अब समझ में आ रहा है उसका लिंक है इस पीरियड टेबल से ये किसने कह दिया ये किसने कहा कि मोसले ने दिया है ना 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 गलत पढ़ लिया आप आपने गलत पढ़ लिया मोसले ने मोसले का पूरा नाम है हेनरी मोसले मोसले ने टेबल नहीं दिया था हम बता दें मोसले ने क्या किया था मोसले ने मोसले के जस्ट पहले एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैंडलीव और मोसले ने मैंडलीव के टेबल की गलतियों को सही किया था दिस इज कॉल्ड मॉडर्न टेबल इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड दिस हैज बीन मेड बाय नील्स बोर ये बोर्स टेबल है नहीं इन्होंने सारे एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दिया हुआ था उस समय तक 100 इतने तक नहीं गए थे उन्होंने सारे एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ छोड़ दिया था कि ये एलिमेंट फ्यूचर में आएगा ये एलिमेंट फ्यूचर में अगर ऐसा ही उन्होंने सेट सेटअप बना दिया था कि कोई नया एलिमेंट मिलेगा उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा समझे ना हम लोग पढ़ाई कर रहे थे हमारे समय की बात है हम लोग इतना ही तक पढ़े थे इतना ही तक एक तक फिर हम लोग कुछ ही दिनों के बाद में चार और मिल गया एक तक और एक बाद में ये बाद में मिला है एक सौ उस समय हम लोग पेट में ये सब जगह खाली था समझे ना क्लियर घबराओ मत हम हैं अभी जब नहीं रहेंगे तब घबराना नहीं रहेंगे मैंने ऊपर रहेंगे छत पर हमको कुछ होने वाला थोड़ी लिख लिए इतना क्लियर चार ही क्यों जोड़ते हैं प्लीज डाउन उसका भी जवाब देते हैं बस क्वेश्चन करते देखते चलो एक से एक जवाब है हमारे पास आपके क्वेश्चन से पहले हमारा जवाब रेडी रहता है हर चीज का सोल्यूशन है बढ़े आगे चलिए तो इसका मतलब यह हुआ कि एटम का बेटा कौन के एल एम एन ओपी आ के एल एन के बेटे के एल एम एन ओपी के बेटे कौन एस पी डी एफ क्लियर चलिए अब हम यहां पर लिखते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू यहां पर हमने लिखा के एल एम एन ओ पी क्यू चूंकि आप जानते हो कि नील्स बोर ने चार ही दिया था के एल एम एन बोर ने चार ही दिया था तो के एल एम एन तो चलिए स्टार्ट किया जाए के एल एम एन को के में कितना इलेक्ट्रॉन टू और एस में कितना इलेक्ट्रॉन मतलब के को अगर सिर्फ एस दे दिया जाए तो के खुश के का इलेक्ट्रॉन पूरा के का इलेक्ट्रॉन पूरा एल में कितना इलेक्ट्रॉन एट एल में कितने इलेक्ट्रॉन एट तो एस तो इसको देंगे ही लेकिन साथ में अगर पी दे दिया जाए तो बोलो एट हो जाएगा कि नहीं टू प्लस सिक्स इजकल्स टू एट एम में कितने इलेक्ट्रॉन एटीन एस पी और डी दे दे साथ में बोलो एटीन होगा कि नहीं एस का दो पी का सिक्स एट और डी का टेन एटीन एन में कितना थर्टी टू एस पी डी एफ चारों छोड़ देते तो बोलो थर्टी टू होगा कि नहीं लेकिन नील्स पर यही चार को बना के निकल लिए जब ये चार ही बना के निकल लिए तो चार ही खोजा गया अब इसके बाद में तीन बच गए तो नया वाला जो साइंटिस्ट लो आया ना लोग कहा कि नया तीन को जो मिला है इसके लिए हमारे पास में उतना दम नहीं है कि हम नया बना पाए तो क्या किया इसी को रिपीट कर दिया रिपीट रिपीट एंड रिपीट बिंगो टेडे मेडे न जी आप अभी मत लिखना आराम से पहले समझ लो बोलो अभी समझ में आ गया एस के पास में टू सिक्स टेन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन ही क्यों होता है ये समझ गए कि जोड़ के इसको पूरा करना था और दूसरी बात कि चार ही क्यों होता है ये भी समझ गए आप बस दिमाग में सोचने का काम करो जवाब हमारे पास रेडी है अब कहानी ये था कि यहां पे अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं कि पी के पास पांच इलेक्ट्रॉन है तो यहां हम देख रहे हैं कि पी के यहां पर पिताजी लोग हैं के कितने पापा? पापा पी के पापा एल पी के पापा एम पी के पापा एन पी के पापा ओ पी के पापा पी और पी के पापा क्यू <laughs> बड़ा प्रॉब्लम हो गया मान लो हमें दिया जाए कि पी के पास में पांच इलेक्ट्रॉन है मूर्खो सुनो यहां पे मान लो हमें दिया जाए कि पी के पास में पांच इलेक्ट्रॉन है और आपसे पूछा जाए जैसे मान लो पी है पी कहीं से पांच रुपया कमा के लाया तो ये पांच रुपया अपने किस पापा को देगा <laughs> बड़ा दिक्कत था ये लोगों के सामने बड़ा टेंशन में पड़ गया कि आखिर हम कैसे पता लगाएं कि ये एली में ये जो पी है ये कौन से ग्रुप का है तो इसके लिए जरूरी था पापा जी का टाइटल और यहां ये जो पापा जी लोग आपको दिख रहे हैं ना इनका टाइटल है वन अरे रोल नंबर इनका टाइटल है टू इनका, इनका टाइटल है इनका टाइटल है फोर इनका टाइटल है फाइव इनका टाइटल है और इनका टाइटल है तो हुआ काम किया जाए पापा जी का टाइटल साथ में लगा दिया जाए तो इनके पापा जी का टाइटल साथ में आ गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब अगर हम यहां पे लिख दें फोर पी टू दी पावर फाइव तो बोलो वो पांच इलेक्ट्रॉन किसका हुआ किसका एन का फोर पी किसके पास है एन के पास है बोलो समझ में आ गया अभी क्लियर एकदम क्लियर ना गुड बोलिए क्या वो के बाद समझ में, तो में नहीं आ रहा है अच्छा एक बात हम इसी को यहां पर लिख दिए हैं तो क्या समझ में नहीं आ रहा अच्छा हाँ लेकिन जब हम इस चीज इस चीज को रूल इस रूल को ही आगे बढ़ाते हैं इसी रूल को लगाते हैं ये काम कर जाता है ऐसा बनाया गया था नील्स बोर के द्वारा लागू नहीं होगा तब ना गलत माना जाएगा बैठ जाइए इनका कॉज ठीक किया जाए भाई आखिर कैसे पहचानेंगे कि पी जो है किस ग्रुप का है तो पी को पहचानने के लिए ये वाला पी किसका है ओ का है तो ओ के पास सिर्फ एक ही चीज है उसका रोल नंबर तो पी के पहले उसका रोल नंबर लगा दिया गया है हम लोग क्या है हम लोग क... अगर मान लो हम कहते हैं कि आ, कोई लड़का है दो घर हैं दो घर हैं आराम से एकदम दो घर हैं दोनों घर में एक एक अमित नाम का लड़का रहता है क्लियर मनी ऑर्डर आता है पोस्टमैन आता है पैसा लेके दो लाख रुपया लेके आया और आया तो लेटर लिखा था कि अमित के घर देना है अब प्रॉब्लम यह हुआ कि ये अमित या ये अमित अमित शर्मा है अमित जो है मान लीजिए कुलकरणी है तो अब इन दोनों में बात हुई तो हमारे यहां पैसा आया होगा वो कह रहे ना ना हमारे यहाँ पैसा होगा हाँ अब कुलकर्णी और शर्मा साहब दोनों आदमी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तब उसमें मोबाइल नंबर लिखा था पोस्टमैन ने फोन किया हाँ अमित भैया जो आपका पैसा आया है कहा देना है तो अमित सिंह के घर पे दे दीजिए <laughs> इधर कुलकर्णी साहब और शर्मा साहब आपसे में कट मर रहे हैं पैसा सिंह साहब का है <laughs> समझे टाइटल जब साथ में रहेगा ना तो पहचान होगा कि वो किसका इलेक्ट्रॉन है तो इनके पास में जो रॉल नंबर है ना हमने उसी को जो शेल नंबर है हमने उसी को टाइटल बना दिया क्लियर तो अब आज के बाद सिक्स डी अगर लिखा होगा तो आप समझोगे ना सिक्स के एल एम एन ओ पी सिक्स नंबर पे कौन आता है पी आता है अब समझ गए समझ गए क्लियर लेकिन अब एक चीज है जिसको पॉली ने दिया था पॉली वॉल्फगैंग पॉली ने दिया था एक चीज है जिसको पॉली ने दिया था इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का रूल इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का रूल और इसको इलेक्ट्रॉन भरने का काम डायगोनली किया जाता है जो आपको अभी नहीं समझाया जाएगा टेबल पढ़ाएंगे तब समझाया जाएगा बहुत लेंदी प्रोसेस है उसको समझना तो बस आप इतना समझ लो यहां पर इलेक्ट्रॉन डायगोनली भरा जाता है पहले हमको बना लेने दो तब बनाना एको को डायगोनल एने से होने हुआ सारा इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा आपका सुनो तो ध्यान से एरो इधर से इधर आ रहा है और ऐसे एरो देना है कि सीरीज में बने दो के बाद तीन तीन के बाद चार तीन चार पांच फोर फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स सेवन सिक्स सेवन सेवन सीरीज में जाए इसे पहले लिखो ये लिख लिए हो ना ये लिख लिए हो ना ओके तब ये लिखो

हो गया ओके अब इसके नीचे तीन लाइन तक कुछ नहीं लिखना है तीन लाइन छोड़ देना है क्लियर और तीन लाइन छोड़ने के बाद इसके बाद में अब हम लिखेंगे आप नहीं आप चुपचाप बैठोगे अभी बस स्टोरी सुनोगे नंबर वन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने कहा कि चलो भाई हमसे ही स्टार्ट किया जाए बताओ तो हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा तो हमने क्या किया हाइड्रोजन के पास में देखा कि एक वो इलेक्ट्रॉन है तो हम सबसे पहले पहुंचे अपने प्रिंसिपल पे और सबसे पहला लाइन स्टार्ट करेंगे वन एस वन एस और एक इलेक्ट्रॉन है दे देती सिर पर दिया जाता है पावर नहीं है वन एस वन वन एस का पावर वन नहीं वन एस वन जैसे मान लीजिए उतारिएगा मत यहां पर हीलियम है जेड इजकल्स टू टू सबसे पहला लाइन है वन एस वन एस और दो इलेक्ट्रॉन है तो हम यहां पर टू लिख सकते हैं क्योंकि एस के पास दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एस के पास दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्लियर क्लियर चलो तो आप तीन लाइन छोड़ोगे इसके बाद में फिर आप इसको लिखोगे फिर तीन लाइन छोड़ोगे फिर आप इसको लिखोगे बीच में तीन लाइन का गैप होना चाहिए अब आप पांच लाइन छोड़ दिए हम गैप लेके बताते हैं ठीक है ना हम गैप लेके बताते हैं तक एक लाइन छूटे बीच में आप लोगों के लिए ज्यादा मिक्सिंग ना हो जाए ना तो सुंदर नहीं दिखेगा सुंदर दिखना भी एक कला है तो इसको लिख डाले चलिए फिर से तीन लाइन छोड़ देना है अब पहुंचते हैं हम थर्ड नंबर पे इसमें है लिथियम आप नहीं लिखोगे पहले हमको लिख लेने दो लिथियम तीन है ना थ्री है तो सबसे पहला लाइन वन एस थ्री क्लियर नहीं होगा क्योंकि एस में मैक्सिमम कितना रहता है टू रहता है अब इसका का एक इलेक्ट्रॉन बच गया गुस्सा हो जाएगा ना 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 बेटा लाते हैं तुम्हारे लिए कौन टू एस क्या हो गया वन अब बोलो समझ में आ रहा है पहले इसको फिल करना है फिर इसको फिल करना है और इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो फिर यहां से 2p ये चलेगा फिर अगर ये भी भर जाएगा तो 3s ये भी भर जाएगा तो 3p ये भी भर जाएगा तो 4s ये भी भर जाएगा तो 3d समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है इसी के लिए जो इसके नीचे आप तीन लाइन छोड़े हो ना तो बीच वाले लाइन में लिख दो कॉमन कॉमन सबसे पहले कौन वन एस फिर टू एस फिर टू पी फिर थ्री एस फिर थ्री पी फिर फोर एस फिर थ्री डी बस थ्री डी तक जाना है इसको लिख लीजिए वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी ये आपके नाम से तेज आपको याद होना चाहिए इसको घर पे इतना अच्छे से रट जाइएगा कि आपके नाम से तेज आपको यह याद रहे क्लियर हमने क्या किया यह बार बार अब आपको देखना नहीं पड़ेगा बार बार आपको यहां नहीं देखना यह याद हो गया पहले किसको भरना है वन एस इलेक्ट्रॉन गया तो कहां जाएगा टू एस फिर इलेक्ट्रॉन गया तो फिर इलेक्ट्रॉन गया तो फिर और थ्री पी के बाद थ्री डी नहीं पहले फोर एस तब थ्री डी समझे ना तीस तक कंप्लीट थ्री डी भरेगा ना तब तक तीस तक कंप्लीट हो जाएगा थर्टी तक कंप्लीट हो जाएगा बोलो समझ में आया समझ में आया है चलो तो तीन लाइन छोड़ के लिथियम को लिखो तो लिथियम को लिखो लिख लिए फिर तीन लाइन छोड़ के बेरिलियम उतारो तो इसको लिखो तो अपने से कोई हाथ नहीं उठाएगा बस लिख लेगा चुपचाप अपने से लिखने की कोशिश करें कॉमा कभी भी बीच में मत दीजिएगा एरर माना जाता है बीच में कहीं भी कोई कॉमा मत दीजिएगा कॉमा गलत माना जाता है एरर माना जाता है इसका गुड चलिए सबसे पहले आता है वन एस वन एस में कितना इलेक्ट्रॉन टू अभी कितना बचा टू फिर आता है टू एस कितना फिर तीन लाइन छोड़ देना है फाइव बोरॉन जेडिकल सुब लिखे तो हो गया प्रॉब्लम है आपको चलिए सबसे पहले आता है वन एस टू टू एस टू थ्री कोई बोला है टू एस थ्री सब तो गाल खेल रहा है सब है एस में कितना रहेगा टू टू एस मतलब फोर मत समझ लेना एस है मैंने टू ही रहेगा तो दो और दो चार हो गया कितना बच गया वन तो टू एस के बाद कौन होता है टू पी तो टू पी में कितना हो गया अब समझे समझे चलो सिक्स नंबर पे लिखना है ऑक्सीजन जेड इजिकल्स टू एट बनाओ तो तीन लाइन छोड़ते जाना है सिक्स नंबर पे ऑक्सीजन में सिक्स तक रह सकता है छह इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है हो गया चलिए लिखते हैं सबसे पहले वन एस टू फिर आता है टू एस टू दो, दो चार हो गए कितना बच गया फोर तो टू एस के बाद टू पी फोर किसका रिक्शा सही है प्लीज स्टैंड अप जिनका सही है वो लोग एकदम ईमानदारी से गलत हो गया चलता है झूठ नहीं जो खड़े हैं बैठ जाए जो बैठे हैं खड़े हो जाए जिनको ये समझ में आ गया है कि उनकी गलती कहां हुई है या उनसे क्या मिस्टेक हो गया है वही सिर्फ बैठेंगे बैठ जाए बाकी जिनको नहीं समझ में आया वो खड़े रहेंगे नहीं समझ में आया। चलिए बाबू लोग यहां देखेंगे घबराओ मत हम बार बार कह रहे हैं हमारे पास पूछने में मत घबराना कभी भी नहीं समझ में तो हम है ना बताएंगे आज लास्ट शर्म करके बैठ जाओगे आने वाले समय में ना, पूरा मार्क्स खराब होगा जिस दिन उस दिन कहां मुंह छुपाओगे सर तो घोरे में से तो नहीं निकलेंगे चलो समझो आराम से ऑक्सीजन का लिखना था ना तो ऑक्सीजन का होता है एट तो बाबू सबसे पहले हमारे पास कौन है वन एस है तो वन एस हम लिखेंगे आ एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है टू फिर आता है 2s 2s को लिखेंगे s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है अभी भी हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन हो गए चार बचा हुआ है तो 2s के बाद 2p अब p में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है सिक्स अब बचा कितना है फोर तो बोलो फोर दे सकते हैं कि नहीं तो हम यहां पे लिख दिए फोर समझ में आया जिनको समझ में आ गया वो बैठ जाए अरे वाह गुड फिर तीन लाइन छोड़ देना है सेवन नंबर पे आप बनाओगे सोडियम जेड इज कल्स टू इलेवन कोई हाथ नहीं उठाएगा बस आराम से बनाए याद नहीं आए तो देख लीजिएगा कॉमन वाला जो लिखवाए उसमें से जोड़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे बन गया गुड बोले ना हाथ नहीं उठाना हम पर हाथ उठाओगे है? देखेंगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स टू टू फोर और सिक्स टेन अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है अरे एडजस्ट कर दिया जाएगा पी ए में सेवन कर दिया जाएगा नहीं सिक्स ही होगा एक इलेक्ट्रॉन बचा है क्या करें थ्री एस सही है स्टैंड ईमानदारी से एकदम जो खड़े हैं बैठ जाए जो बैठे हैं खड़े हो जाए साइलेंस साइलेंस प्लीज क्या प्रॉब्लम हो रही है समझ में नहीं आया यस सर की नो सर मैंने समझ में आया है।, आया है नहीं आया है ओके नहीं समझ में आया कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बस ये समझ में नहीं आया है ओके okay? आ गया बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए ए अब आप मत कहिए कि समझ में आ गया है नहीं ना आया है गुड जीनियस नहीं सर आ गया बस आप पांचवा आदमी मतलब एकदम फ्रेंक है ना नहीं सुन में आया हैं अब समझाने में मज़ा आएगा देखो सादा पन्ना पर लिखने में ना बड़ा मजा आता है लेकिन पहले से लिखा हुआ हो ना तब दिक्कत होता है नहीं समझ में आया तब अच्छा लगेगा समझाने में सोडियम है ना बाबू सोडियम तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन का नंबर है इलेवन तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना वन एस उठाना है यहां से और वन एस यहां पर लिख देना है और लिखना है दो गो इलेक्ट्रॉन क्लियर आप बस इतना जान लो ये पी खत्म होगा तो दस होगा ये पी खत्म होगा तो अठारह होगा तो हमको ग्यारह तक जाना है तो यहां तक तो खत्म करना पड़ेगा तो वन एस टू एस टू और टू पी तो दो और दो चार हुआ बचा कितना सेवन अरे ग्यारह इलेक्ट्रॉन है इसके पास इलेवन है ना तो टू यहां आ गया टू यहां आ गया कितना हो गया फोर बचा कितना सेवन कितना बचा सेवन अब p की कैपेसिटी कितनी है सिक्स तो p की पूरा पूरा कैपेसिटी उसको दे दिया जाएगा सिक्स हो गया उसका अब भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिस्ट है बचा है कि नहीं ये कितना हुआ टू टू फोर और सिक्स टेन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है तो टू पी के बाद कौन है थ्री एस yes. अब हम लिखेंगे यहां पर थ्री एस वन अब समझे समझे नहीं समझे समझ में आ गया गुड बैठ जाएंगे क्लियर तीन लाइन छोड़ेंगे सर पूरा कॉपी भरवा दिया आप तो मैग्नीशियम जेड इज टू ट्वेल्व बनाओ फिर तीन लाइन छोड़ना है क्लोरीन जेड इज टू सेवेंटीन बनाओ आराम से एकदम जल्दीबाजी कोई नहीं है हाथ तो नहीं उठाना था यार कोई बात नहीं बनते जाए हाथ उठाते तो गुड वेरी गुड ना तो भूल जाओगे कि हाँ तो उठाना था <laughs> मजाक कर रहे यार चलो ऑल क्लियर हम लिखे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स दस हो गया अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है दो तो हम लिखेंगे थ्री एस टू किसे सही हैंड आसपास में देख रहा जिसका समझ में ना आया ना पकड़ के खड़ा कर दो सर वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स दस हो गया कितना बचा सेवन तो टू पी के बाद थ्री एस एस है कितना लेगा टू अभी कितना बच गया फाइव तो थ्री एस के बाद Three. कितना किसे सही है समझ में आ गया है मिस्टेक अपना समझ में आ गया है गुड अब यहीं से हम लोग मारेंगे यू टर्न यहां चलेंगे जहां पे खाली स्थान छोड़ाए हुए थे ठीक है ना सुनेंगे 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 नहीं सुनेंगे कौन है उठाकर बाहर फेंक ना चलिए अब एक बात बताओ अभी अभी हम बात किए थे आप लोगों से बेटों के बारे में ये वन एस एस है एस के पहले वन है किसका बेटा है के का तो के आ कितना इलेक्ट्रॉन है वन यहां पर के एक एक बात बताओ यहां पे वन एस किसका है के का और टू एस कितना है L का तो K का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया टू और L का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बोलो यही ना पहले बनाते थे आप लोग के M एन में आ रहा इससे आ रहा है यहां पर ये यह K का है कितना हुआ टू ये L का है कितना हुआ टू 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 ना जी अच्छा एक बात बताओ यह है के का टू यह भी एल का है और यह भी एल का है कि दोनों के पहले टू है तो एल के पास कितने इलेक्ट्रॉन चार टू और वन थ्री एल में कितना हो गया थ्री बोलो आया कि नहीं आया समझ में आया चलो यहां तक कंप्लीट करो तो क्लोरीन तक जल्दी क्लोरीन तक कंप्लीट करो तो जल्दी ए छुटका बनाया है गुड दोनों छुटका के लगे गुड 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 पहले देखना कि कहां कहां पर उसके भाई लोग हैं ना ढूंढ ढूंढ के जोड़ना है उनको बना गुड ओके okay. ना पहले सब लोग बना लेगा तो हम इधर से चेक करवाते चल चलेंगे चलिए चेक करवा ऑक्सीजन है के एल के में टू और एल में सिक्स जिनका भी गलत हो जिनको भी समझ में नहीं आए ठीक ना विद्यागसम खा के कहना है ठीक है ना अगर नहीं पूछा लो ना सातु विद्यानाश समझे ना के एल एम के में कितना टू एल में कितना एट और एम में कितना वन बोलो यस और नो के एल एम के में कितना एल में कितना एम में कितना टू एट टू चलिए के एल एम दोनों एम है आ, नहीं है जी के टू एल एट एम बोलो यस और नो किसी कोई दिक्कत अब समझ में आ गया कि के एल एम एन से आया है के एल एम एन आया नहीं है लाया गया है समझे ना कि भले ही हम लोग कह रहे हैं कि के एल एम एन के बेटा है एस पी डी एफ ना यहां उल्टा है यहां बाप ही बेटा है समझे ना चलिए कोई बात नहीं अब हम आप लोगों को एक अलग से वर्क दे देते हैं कितना नंबर जी टेन आर्गन का बना के, के एन दोनों लिखो एसपीडीएफ बना के के एल एम एन भी लिखो आर्गन का एसपीडीएफ बना के, के एन लिखो आराम से एकदम कोई जल्दी बाजी नहीं है आपका समझना ज्यादा जरूरी है ओके 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 वेरी गुड वेरी वेरी भारी भारी गुड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई सबका ठीक है देखेंगे वन एच टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एच टू थ्री पी सिक्स K, L, M, K2, टू M8. एट एम एट बोलो या तो किसे से सही है प्लीज स्टैंड ईमानदारी से जो खड़े हैं बैठ जाएं जो बैठे हैं खड़े हो जाएं. घबराओ मत ये मत सोचना कि आपका नहीं सॉल्व हुआ या गलत हो गया तो हम आपको कुछ कहेंगे नहीं काहे नहीं कहेंगे हा? पापा जी पैसा दे रहे पढ़ने के लिए बाबू गलती समझ में आ गया है क्या दिक्कत हुआ है आपको ये बनाने में दिक्कत हो रहा है या इसको नीचे वाला बनाने में तो यहाँ एस के पहले वन है तो ये के है इन दोनों के पहले टू है तो ये दोनों एल हो गया इन दोनों के पीछे पहले तीन है तो ये एम हो गया नहीं जोड़ देंगे हो जाएगा ना अब हो जाएगा बैठ जाएंगे हो जाएगा बैठो ना हुआ ना तब देखो यू विल बी बॉल आई विल हैव द बैट नाउ इट्स फोर इलेवेन पोटेशियम जेड इज इक्वल्स टू इनटीन एसपीडीएफ लिख के के एल एम एन बनाना है एसपीडीएफ लिख के एल एम एन बनाना है आराम आराम से एकदम घबराओ मत बिल्कुल भी गलती कर दोगे ओके okay. गुड 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है ठीक ठीक ओके आराम से बनाइए घबराइए नहीं रही हम पहले लिख देते हैं इसका एस पी डी एफ वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस वन ये सही है नहीं है इतना सही होना चाहिए आपका पहले वन एस भरेगा तब टू एस तब टू पी तब थ्री एस तब थ्री पी तब फोर एस क्लियर पता है जिसको नहीं समझ में आएगा ना वो छोड़ के भाग जाएगा लोग इसलिए इतना समझा रहे हैं <laughs> नहीं यार ऐसा कोई लालच नहीं है हमारे मन में मेन चीज है कि यार आए हो तो कुछ सीख के जाओ नहीं सीखोगे तो बाहर हमारे बारे में भला बुरा बोलोगे ना वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है चलो समझाते हैं इसके पहले वन है ये जरूर के का बेटा है इसके पहले भी टू है इसके पहले भी टू है एल जिसके पहले टू होता है वो एल होता है एट इन दोनों के पहले थ्री है एम एट इसके पहले फोर है आप देखो तो जैसे ही लास्ट में आठ हुआ अपने आप एक उधर चला गया कि नहीं कोनो अकटेट भगटेट रूल नहीं है ठीक है ना सब है एसपीडीएफ भी है। अपने आप काट कुट के उन्हें कर देगा भागो जब रहेगा तो आठ रहेगा आठ से ज्यादा नहीं रहेगा तो ये किसके अनुसार है बा प्रिंसिपल के अनुसार अब समझ आ गया तो जैसे ही नौ होने वाला होगा ये वो काट के उधर कर देगा ये चलो ट्वेल्व नंबर बनाओ तो कैल्सियम कैल्सियम का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखो डीए जेड इजिकल टू ट्वेंटी बना के और एसपीडीए बना के एल लिखो एसपीडीए बना के एल लिखो ठीक है ठीक है ठीक है एक समय में सब तरफ सिर नहीं न जा सकता दसानंद थोड़ी है ओके लेट मी इंट्रोड्यूस इट अगेन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोरेस्ट टू जिसका जिसका इतना सही है प्लीज स्टैंड अप डायरेक्टली स्टैंड अप जिनका जिनका इतना सही है एकदम ईमानदारी से देखो तो बाबू अगल बगल में कोनो बैठा हो है क्या कोई जो खड़े हैं बैठ जाएं, जो बैठे हैं खड़े, हैं, खड़े हो जाएं। ओके okay, दो आदमी कहां मिस्टेक हो गया साइलेंस तो यहां तक तो 18 तो हो गया ना तो अभी तो दो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था ना तो देखिए तो कॉमन वाला जो लिखवाए थे उसमें तो हम फोर एस लिखवाए थे लिखवाए थे ना आप उसको ध्यान नहीं दिए हैं अब हो जाएगा तो फोर 4s लिख के टू दे देना था आप क्या मिस्टेक थ्री पी सिक्स छूट गया था अभी हो जाएगा ना बैच बैच क्लियर अब इसका के एल एम लिखना है तो ये हो गया के ये हो गया एल ये हो गया एम और ये हो गया एन अब हो जाएगा क्लियर ना गुड वेरी गुड कैंडियम कितना नंबर है जी थर्टीन जेड इजकल्स टू ट्वेंटी वन प्लीज हम एक भी मिस्टेक इसमें नहीं चाहते हैं खूब ध्यान से देख देख के बनाओ अगल बगल से खूब आराम से एकदम घबराना नहीं ओके, okay. ठीक है प्लीज एक बार और चेक कर लो भले ही बना लिए हो इस बार कोई मिस्टेक नहीं चाहते हैं हम नॉइज नहीं लिसन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स आप लोग जानते हो जो हम कॉमन लिखवाए थे वो था वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी हम बोले थे उसको ध्यान में रख के बनाना है इस बार नहीं छोड़ना है उसको ठीक है ना अब ये हो गया एटीन अब आता है कौन फोर एस ट्वेंटी एक बच गया थ्री डी ये सही है सबका क्लियर नाउ के एल एम आप देखो बाबू ये के है ये दोनों एल है ये एम है ये एम है और ये भी एम है इसके पहले थ्री है इसके पहले थ्री है और इसके पहले भी थ्री है तो तीनों एम है और ये एन है आप कहीं इसको छोड़ मत दिए हो तो आप देखो तो के में, हैं? के में टू एल में और एम में सिक्स और टू सिक्स टू नाइन सिक्स और टू और वन और एन में देखो तो अपने आप दो को छोड़ के और इधर बढ़ने लगा कि नहीं हम बनाए हैं आप बनाए हैं यस सर वे फटा से बस हम बनाए हैं बोलो समझ में आ गया है एकदम बढ़िया से गुड बनाएंगे एफ ई आयरन जेड इजकल्स टू ट्वेंटी सिक्स fe iron z is equal to 26 हो गया वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी सिक्स के एल एन के टू एल एट जितना बचा है एम सिक्स और टू एट और एट और सिक्स और एन किसका किसका सही है प्लीज एकदम आराम से डाउन जिनका भी गलत हुआ है समझो जिनको एकदम समझ में नहीं आया हो ये प्लीज स्टैंड ऑन डेट ऑन देयर ओन लेग्स प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू प्लीज स्टैंड अप जिनको भी ये समझ में नहीं आया है खड़े होइए आ गया गुड यू कॉर्नर नहीं समझ सर आ गया कॉर्नर हाँ देखिए उनको समझ में नहीं आया खड़े होंगे आ गया कोई तो बोल दो सर नहीं समझ आया सर आ गया सर तो डेढ़ घंटा पहले आया है अच्छा हमारे तब देखो देखो हम बताते हैं किसको समझ में नहीं आया है नहीं नहीं समझ में यू स्टैंड ऑफ नहीं समझ आया है नहीं भी आया है तो पूछिए जहां मिस्टेक हो रहा है आपसे साइलेंस पूछिए कहाँ गलती हुआ आपसे बना लिए एकदम सही है बैठ जी अब मन हुआ कि भाई बना रहे हो बोलो अब बनाने आ गया ये अब चलिए हम आपको पढ़ाते हैं किसी भी एटम के बारे में आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखने होते हैं मतलब कोई भी अगर एलिमेंट दिया हुआ होगा तो उस एलिमेंट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी रहती हैं प्रॉपर्टीज लिखनी रहती हैं जैसे सबसे पहले आता है उस एलिमेंट का जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी का मतलब होता है ग्रुप सॉरी पीरियड सबसे पहले लिखा जाता है पीरियड पीरियड का मतलब हुआ कि वह एलिमेंट किस लाइन में है पहला रो में है दूसरे रो में है तीसरे रो में है चौथे रो में है इस बारे में दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है इसे बोलते हैं ग्रुप ग्रुप बताना होगा कि वह किस ग्रुप में है जैसे पीरियड कितने हैं यहां पर सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लेकिन ग्रुप जब पूछेगा तो बताना होगा किस ग्रुप में है ग्रुप कितना है एक से लेके एटीन तक अठारह तक ग्रुप है कौन से ग्रुप में है और हमने कल ही आपको बोला था अगर किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड पता चल गया तो हम उसका लोकेशन बता देंगे कि वो पीरियड टेबल में किस जगह पे है बोलो ये yes सुनो no? बता देंगे ना अब तीसरी प्रॉपर्टी जो यहां पर आता है बाबू वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन चौथी प्रॉपर्टी जो आता है वो है वैलेंसी पांचवी प्रॉपर्टी जो यहां पर आता है दैट इज कोर इलेक्ट्रॉन छठी प्रॉपर्टी जो यहां पर आता है दैट इज ब्लॉक और सातवों प्रॉपर्टी जो आता है दैट इज प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में आता है मेटल है कि नॉन मेटल है ये सात प्रॉपर्टीज हम आपको पढ़ाएंगे मात्र ये जो आप बना रहे हो ना सिर्फ इतना लिख दोगे तो हम ये सातों बात आपको निकालना ये किसी को कुंडली बोलते हैं हम उस एलिमेंट की पूरी कुंडली निकलवा देंगे आपके सामने जैसे सोडियम है तो हम बताएंगे कि सोडियम का पीरियड जो है बाबू थ्री है सोडियम का ग्रुप जो है वन है सोडियम का बेलेंस इलेक्ट्रॉन वन है सोडियम की बैलेंसी वन है सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन है है ब्लॉक एस और प्रॉपर्टी में वह एक मेटल है हम उस एलिमेंट की पूरी कुंडली बता देंगे जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम अगर पता चल जाए तो पंडित जी पूरी कुंडली बता देते हैं वैसे ही उस एलिमेंट का सिर्फ एटॉमिक नंबर मालूम चल जाए एटॉमिक नंबर मालूम चल जाए तो आप उसकी पूरी कुंडली बता दोगे तो आज से अगर पंडित जी लोग आपके सामने आए कि तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ और टाइम से हम तुम्हारी कुंडली बता देंगे आपको आपको इतना सारा चीज चाहिए हमको आप एक नंबर बोलो एक से तीस तक हम उसकी पूरी कुंडली बता देंगे <laughs> समझे ना तो पूरी कुंडली बता सकते हो आप आराम से तो इस कुंडली को हम कब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में बोलो समझ में आया इतना एच डब्ल्यू आज एक से लेकर तीस तक एकदम सीरीज में ऐसे ही बनाते जाना है ये बनाना है उसके बाद के फिर ये बनाना है उसके बाद के एलेवेन वन से लेकर थर्टी तक हाँ शुरू से एक नंबर से लेकर थर्टी नंबर तक तीस नंबर तक क्लियर बनाया कितना है चौदह ही को ना फोर्टी ने ना बनाए हैं तीस को बनाना है तो एक से लेकर तीस तक दोबारा क्लियर थैंक यू फॉर टुडे ो हैलो